आप काफी लंबे समय से चुनाव लड़े हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, ऐसा कौन सा समय था जो सबसे चुनौती वाला समय रहा हुआ आपके लिए? देखिए क्या है, चुनाव में वोट लेना जी बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग बहुत पहले जब चुनाव शुरू शुरू में लड़े जी तो ऐसा लगता था कि चुनाव लड़ना माने मैं उसकी परिभाषा बनाए जी जी कि ये इतना कठिन है कि इसको जो आदमी साधारण समझ लिया वो कभी चुनाव नहीं जीत सकता। जिसने ये समझ लिया कि सबसे बड़ा काम है, कठिन काम है, और उस हिसाब से वो अगर आएगा इस मैदान में जी। तो उसको कोई हरा भी नहीं सकता। हम लोग क्या करते थे पहले, एक साल से भी अधिक समय बचा रहे या एक साल पाँच सात दस महीना आसपास, तो हम लोग सबका पांव छूना शुरू कर देते थे जी। बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चियों को, हम क्यों छू रहे हो, बड़े देवी मानी जाती हैं जी। और सब लोगों को माने जो मिल जाए उसको, तो पुराने लोग बोलते थे कैसे पांव वाँव छू रहे हो जी, चुनाव उनाव आने वाला है का समझ जाते थे तो मेरे को बोले हाँ चुनाव तो आने वाला है, तब हम लोग समझ गए, तभी पांव छू रहे हैं जी। तो एक बार मैं जो चुनाव हारने वाले कुछ लोग बोले, आप जब जब लड़ते हैं चुनाव हारते नहीं हैं, जीत जाते हैं जी। कुछ विशेष मंत्र है क्या जी। तो मैंने कहा देखो भाई, हम लोग पहले शुरू किए थे उसको बता देना जी, जी। सबका पांव छूना, छोटे बच्ची हों, बड़े बुजुर्ग हों, लाइन में जो बैठे हैं सभी का पांव छुओ और सबसे आशीर्वाद दो। चुनाव लड़ने वाला आदमी सबसे निरीह, सबसे कमजोर, सबसे सामान्य अपने को अगर मान लिया जी। तो ये समझ लो कि वो चुनाव जीतेगा जी। लेकिन वो समझ लिया कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो साहब बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तब वो दिक्कत जनता के लिए बनना पड़ता एकदम पूरा नीचे रहिए। तो एक जने मेरे को पूछा कैसे करते हैं, मैंने कहा सब जहाँ मिले तुम सबका पांव छुओ, लाइन में बैठे रहे सब छूते छूते जाओ, उसके बीच में कोई भैरव कुत्ता बैठा है उसका भी पांव छुओ जी, तब फिर तुम चुनाव के मैदान में आओ।